यहाँ पर आज आप देख रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अभी कुछ ही देर में गोविंद कांडा जी बताएंगे कि क्या कुछ नया होने जा रहा है, तो आप देखते रहे। मेरे सभी साथियों, हमारे सह शीर्षा के जो अलग अलग वार्ड के जो निरंतर सेवा कर रहे हैं एमसीओ के जनमान्य व्यक्ति, जो आज बाबा तारा जी की श्रद्धांजलि पे जो आज यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और जो एक आज पूरे वर्ल्ड में जो महामारी फैली हुई है, उसके अंदर पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 23 तारीख को घोषणा की थी कि पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन पूर्ण घोषित हुआ, आज से शुरू हुआ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। आज अगर जान है तो जहान है, उसी के अंदर उन्होंने जो बात कही कि आप सोशल डिस्टेंस में रहें, तो मेरे यहां भी सभी जो आज यहां पहुंचे उनके सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमने सोशल डिस्टेंस के हिसाब से जो स्थान लगाए, आप वहीं पर विराजमान रहे। उनको जो उन्होंने घोषणा की लॉकडाउन, ये कोई बीमारी का कहीं इलाज नहीं है, हम सबको पता है। चाहे आज हम अमेरिका को देखें, लंदन को देखें, फ्रांस को देखें, दिल्ली को देखें, चाइना को देखें, हमारे से बहुत सक्षम है वो लोग, लेकिन वो भी लॉकडाउन में क्या स्थिति है। इस महामारी के लिए लॉकडाउन ही सबसे बड़ी दवाई है, और उस दवाई के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने घरों में रहें, परिवार के साथ रहें। तो मैं मेरे शिक्षा वासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि लॉकडाउन को भी पालना करें, हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहें, अपने साथियों को भी हो सके तो अपने परिवारों को भी जहाँ हो सके सूचना दे सके। अगर एक आदमी चार आदमी तक सूचना दे कि आप अपने घर में रहें, जान है तो जहान है, हम हैं तो हमारा परिवार है, और परिवार है तो प्रदेश है, प्रदेश है तो देश है, हम उसकी पालना करें, उसके अंदर रहें। लेकिन कुछ जरूरतमंद परिवारों की जो जरूरत, मैं भी समझता हूँ, पूरा देश जानता है, पूरा मेरा मीडिया छायाकार जानता है कि आज उनका गुजारा कैसे हो, और उनका गुजारा बहुत धार्मिक संस्थाएं हैं जो उनको बढ़ चढ़ कर उनके घरों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में
हमारी दलील है और पूरी वर्ल्ड की सरकारें चिंतित है और वो हमेशा लोगों को ये कहते हैं, जनता से ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस में रहें, अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। इस बीमारी के लिए, कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, ये दवाई है कि आप अपने घरों में रहें, परिवार में रहें, उससे निकल कर। आप सभी मेरे साथी पत्रकार छायाकार जो अपने घर से अपने परिवार से निकलकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों के पास हर दुख की हर समस्या का सारा समाधान जानने के लिए, हर सरकार को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए जो आप दिन रात काम कर रहे हैं, उसी काम को देखते हुए आज आपके भाई, आपके विधायक भाई गोपाल पांडा ने अनाउंस किया है कि मेरे जितने भी मेरे सिरसा के अंदर पत्रकार छायाकार मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उनको मेरी तरफ से एक साल का 15 लाख रुपए का बीमा दूंगा। मेरे तरफ उन्होंने घोषणा किया है तो मैं आप सभी को एक नंबर नोट करवा देता हूँ, 9721111084। ये आप व्हाट्सएप पे इनका जोड़कर आप अपने आधार कार्ड और अपना एड्रेस वगैरह जो भी वो मांगे उनको दें और जल्दी से जल्दी अपना कंपनी नेम ये आपको बता देते हैं। मेरे साथी खड़े हैं मेरे साथ में, ये आपका हर परिवार का, आपके घर का, जल्दी से जल्दी जो आज आप इतना बड़ा रिस्क लेकर इस महामारी में जो आज आप दिन रात काम कर रहे हैं, मैं और मेरा परिवार और आपके भाई गोपाल पांडा जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो ये आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ की जरूरत है, वो आप जल्द से जल्द इसको लेकर अपना बीमा कराकर अपने परिवार को साथी का साथ निभाकर अपने परिवार के साथ रहे। मैं तो वैसे तो यही कहता हूँ, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं मैं आपको फिर एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और जहाँ भी आप जाएँ सोशल डिस्टेंस में जुड़ रहे हैं उनसे, जहाँ भी जाकर आप उनकी कुछ भी समस्या का साधन करने के लिए तो आप सोशल डिस्टेंस में रहकर उनके साथ रहें। क्योंकि इस महामारी की अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई दवाई नहीं बनी, उसकी एक ही दवाई है कि हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहें। और पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, उसी स्थिति में हमारा भारतवर्ष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और सोशल डिस्टेंस की भी घोषणा है। उसके साथ साथ हम सोशल में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मजबूरी के परिवार हैं जिनको खाना और ऐसी चीज़ें, कोई बिस्कुट बच्चों के लिए, कोई दूध बच्चों के लिए और हरा चारा गायों के, ऑटोमेटिक 1000 चपाती तैयार होगी। तो एक घंटा में ये 3000 चपाती तैयार कर देंगे। तो हम सोशल डिस्टेंस में भी रहेंगे और ज़्यादा हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के घर तक खाना पहुँचाने का, जरूरतमंद परिवारों को खाना पहुँचाने का काम हम यहाँ पर बनाकर, जो एक सरकार ने नियम बनाए उसके तहत हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि हमारा परिवार, हमारे घर के सदस्य सिरसा के अंदर कोई भूखा ना रहे। देखिए भाई विधायक, आपके भाई गोपाल कांडा जी का एक सपना है कि मेरा सिरसा खुशहाल रहे और जहाँ आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मांग करी थी पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि हेल्थ डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी, पुलिस वालों के लिए, उसके अंदर ही एक आपके लिए घोषणा की कि आप सभी साथी दिन रात जो काम कर रहे हैं इस महामारी में, तो मैं मेरी तरफ से उनको 15 लाख रुपए का बीमा दूंगा। तो वो आप अपने आज साथी खड़े थे जो बीमा करेंगे, आपको नंबर नोट करवा दिए, आप जितनी जल्द से जल्द उनको बताएंगे आपका बीमा हम करवा दिए। भाई विधायक गोपाल कांडा जी ने मुख्यमंत्री से मांग करी थी, उसके अंदर मांग में एक ये मांग रखी थी कि सरकारी कोई भी खर्चा हो, चाहे बिजली का बिल है, चाहे पानी का बिल है, या सरकार द्वारा कोई ब्याज दिया जा रहा है, या सरकार द्वारा कोई किराया लिया जा रहा है, या सरकारी किसी भी तरह के कोई खर्च है, सरकारी कोई किस्त है बैंक की, आप उसके अंदर सभी को 3 महीने की छूट दें। हमारे बच्चों को स्कूल की फीस के लिए, कॉलेज की फीस के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले पहल करके एमडी के इंटरनेशनल स्कूल में
सबसे पहले 3 महीने की बच्चों की फीस माफ कर दी है, उसके साथ साथ उन्होंने